आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है इफ़ टू साइन इनवर्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो हमें एक्स की रेंज निकालनी है तो हम क्या करते हैं हमें फॉर्मूला पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है तो हम क्या करते हैं टू साइन इनवर्स एक्स को तोड़ देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और आ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को कैसे लिखते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और आर एच एस में क्या हमारा पाई बाय टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इन्वर्स एक्स तो अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है पाई बाय टू होता है हमारा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू रहता है तो ये हो गया हमारा पाई बाय टू और साइन इनवर्स एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया, गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स और ये बन गया हमारा पाई बाय टू ये है हमारा माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन पाई बाय टू तो पाई बाय टू से पाए बाय टू कैंसिल तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है हमारी साइन इनवर्स एक्स की हमारी रेंज होती है बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी हमारी अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव सेवन समथिंग और इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन तो माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ माइनस टू माइनस वन जीरो और वन तक जाएगा क्योंकि वन पॉइंट फाइव से आना है कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमारी रेंज क्या होती है जैसा कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है हमारी जीरो से पाई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की क्या हुई ये वैल्यू होती है हमारी थ्री पॉइंट वन फोर ये है जीरो तो जीरो वन टू थ्री तो हमें साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल है जब हमारा वन यहाँ पे वन हो और यहाँ पे जीरो तो हमारा साइन इनवर्स एक्स वन कहाँ कहाँ होएगा साइन इनवर्स क्योंकि हमें ग्रेटर देन चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है इक्वल टू का नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का रहता है जब हमारा एक्स साइन वन साइन वन से लेके पाई बाय टू हो क्योंकि पाई बाय टू पे सॉरी एक्स की रेंज जो हमारी साइन वन से वन हो क्योंकि हमारा साइन इनवर्स साइन वन पे एक्जैक्ट वन रहेगा और तब से लेके वन तक वन पे क्या होता है पाई बाय टू तो पाई बाय टू तक हमारा वन रहेगा तो हमारा साइन वन से स्टार्ट ले होके वन तक हमारा साइन इनवर्स एक्स वन रहता है और कॉस्ट इनवर्स एक्स हमारा ज़ीरो कब रहेगा जब हमारा ज़ीरो से क्योंकि कॉस इन्वर्स एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कॉस इन्वर्स एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा कॉस इन्वर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक ज़ीरो होगा कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा रहता है हमारा कुछ ऐसा ये होता है हमारा पाए बाय टू तो हमारा कॉस इनवर्स कॉस वन पे एग्जैक्टली exactly ज़ीरो रहेगा कॉस इनवर्स कॉस वन पे एग्जैक्टली वन होगा तो उसके जस्ट बाद से हमारा पाई तक एक्स जब भी रहेगा ये हमारा इस टाइम पे कॉस इनवर्स एक्स हमारा ज़ीरो रहेगा कॉस इनवर्स कॉस वन पे एग्जैक्टली हमारा वन होगा तो उससे जस्ट बड़ा से लेके पाई तक पाई हमारी लास्ट वैल्यू है तब से लेके तब तक हमारा जीरो रहेगा कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे भी हम ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा रहता है तो ये वन कब होगा ये कुछ साइन ये पाए बाय टू पे मैक्सिमम सॉरी एट एक्स इक्वल टू वन पे मैक्सिमम है पाए बाय टू और ये वैल्यू कुछ है साइन वन इस पर एग्जैक्ट रहेगा वन ये हमारा साइन वन और ये वैल्यू है हमारी कॉस वन ये वैल्यू है हमारी पाए हमारा एक्स साइन वन से वन होना चाहिए और कॉस वन से पाई होना चाहिए इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन देखना है बेसिकली क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी सेटिसफाई से होनी चाहिए अब साइन वन और कॉस वन में क्या बड़ा होता है साइन वन जो होता है हमारा और कॉस वन वन हमारा क्या होता है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सेवन डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है ये हमारा फिफ्टी सेवन डिग्री तो साइन वन अपॉन कॉस वन क्या हुआ, हुआ हमारा टेन वन टेन फिफ्टी सेवन डिग्री अप्रॉक्सीमेटली तो टेन फोर्टी फ़ाइव हमारा वन रहता है और टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है बिटवीन जीरो टू फाइव बाई टू तो टेन फिफ्टी सेवन हमारा ग्रेटर देन वन रहेगा तो हमारा साइन वन ग्रेटर देन कॉस वन रहेगा और तो एक्स हम देखें तो यहाँ पे कुछ कॉस वन है ये हमारा है साइन वन ये है हमारा वन ये है हमारा पाई तो हमारा साइन वन से वन रहना चाहिए और कॉस वन से पाई रहना चाहिए हम देखें तो कॉस वन साइन वन वन और पाई ऐसे इस ऑर्डर में अरेंज होगा क्योंकि साइन वन हमारे हमेशा लेस देन वन ही रहेगा और वन लेस देन पाई रहेगा तो एक्स का से कहाँ तक होना चाहिए साइन वन से वन और कॉस वन से पाई तो इनका कॉमन सोल्यूशन क्या हमारा साइन वन से वन और हमारा साइन वन इंक्लूड भी होगा क्योंकि इस पर एग्जैक्टली वन हो रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर